इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 5 एंड 6 का ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था पॉइंट क्या होता है, लाइंस क्या होते हैं, रे किसे कहते हैं। सो ये तीन टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट का प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइन सेगमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट का सिम्बॉल क्या है, लाइन सेगमेंट का नाम क्या होता है, कैसे हम रखते हैं। सो दिस ऑल टर्म्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे के वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मेरे इस वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट करना, जिससे कि आगे भी मैं आप सभी के लिए इस टाइप के वीडियोज बनाता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सो लाइन सेगमेंट, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, दो वर्ड्स हैं, एक हैं लाइन और दूसरा है सेगमेंट। तो लाइन ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, वहां पर जाकर के आप देख लेना। और दूसरा है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, खंडीकरण करना, मतलब तोड़ देना या ब्रेक करना, ठीक है ना। यही सब वर्ड्स आते हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं इसके। तो लाइन को जब तुम तोड़ोगे, एक तरीके से यही हुआ ना, लाइन को खंडीकरण करना। तो लाइन को, रेखा को जब तुम खंडीकरण करोगे तो जो पार्ट निकल करके आएगा उसी को हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। जैसे एक मैं लाइन लेता हूँ ऐसे, और इसको मैंने यहाँ से और यहाँ से कट कर दिया, तो क्या पार्ट आया, ये पार्ट आया, ठीक है। इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, सेगमेंट कर दिया। तो हमारे पास जो पार्ट आया वो क्या हुआ, ये हुआ, जिसका एक पहला एंड पॉइंट ये है, जिसको मैं नाम देता हूँ पी। एंड पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए हम पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक कैपिटल लेटर से। सो आई एम मेंशनिंग हियर दिस पॉइंट एज पी। एंड ये दूसरा एंड पॉइंट है इसका, जहाँ से ये कट हुआ है, इसको हम नाम देंगे क्यू। दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट। आई होप आपको इसका टर्म समझ में आया होगा, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, राइट। नाउ अब इस फिगर को तुम देख करके ये जरूर बता सकते हो कि इस फिगर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। सो पहला प्रॉपर्टी आता है, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि इसका दो एंड पॉइंट होता है, इट हैज टू एंड पॉइंट्स, राइट। इसका दो एंड पॉइंट है, जैसे इसमें एक P है एंड एक Q है, ये दो एंड पॉइंट है, ठीक है ना। दूसरा देखोगे ध्यान से तो इसके पास दो एंड पॉइंट हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, मतलब इट हैज फाइनाइट लेंथ, ठीक है, इट हैज फिक्स्ड लेंथ विच कैन बी मेजरेबल। तो हम लिख सकते हैं इट हैज डेफिनेट लेंथ, ठीक है। यदि तुम यहां पर स्केल लो और यहां तक का मेजरमेंट ले लो, तो जैसे कि सपोज करो कि ये आ जाएगा तुम्हारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने इसको मेजर किया, तब मैं ये लिख रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर का है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फिक्स या फिर डेफिनेट लेंथ होता है। अब आता है इसको, इसका नाम हम कैसे रखेंगे। तो इसका नाम रखने का सिंपल है, अभी तक हम जितने भी वीडियोस में देखे हैं, क्या देखे हैं कि हम दो पॉइंट लेते हैं और वही दो पॉइंट से हम किसी भी टर्म का, किसी भी फिगर का हम नाम रखते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिया है, दो पॉइंट लिया है, एक पॉइंट है पी और दूसरा पॉइंट है क्यू। पी इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड क्यू इज़ द फाइनल पॉइंट, ठीक है, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। तो P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ऐसा मैं क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि इसका फिक्स लेंथ है। इसका सिंबल क्या होगा, ऐसे, ठीक है,
इस ना ही इधर एरो होगा ना ही इधर एरो होगा, सिंपल सा ये रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों ही एंड में ये, दोनों ही छोर से ये एंड है। ठीक है, सिंबल सिंबल होगा कुछ ऐसा। ठीक है, और ये हुआ नाम लिखना उसका। लाइन सेगमेंट का यदि तुम नाम लिखोगे तो ऐसे करके लिखोगे। तो आई होप लाइन सेगमेंट आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियोस में हम एंगल्स पे डिस्कस करेंगे, तो इसमें आपको ये जो जितने भी टर्म्स मैंने अभी तक कवर करे हैं, पॉइंट्स, लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे, ये सारे टर्म्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आगे के वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और मेरे हर एक वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट कर देना, जिससे कि आगे भी मैं आप सभी के लिए इस टाइप के वीडियोज़ बनाता रहूँगा। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन द सेम टॉपिक, दैट इज़ जियोमेट्री।